के लिए एक शब्द शुरू करते हैं। सबसे पहले जिसका खंडन न किया जा सके, सो इसका होगा अखंडनीय। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे इंडिविजिबल, लाइक जिसे डिवाइड ना किया जा सके। डिविजिबल जिसे डिवाइड किया जा सके, इंडिविजिबल जिसे डिवाइड ना किया जा सके। सो जिसका खंडन, जिसे ब्रेक ना किया जा सके, जो खाने योग्य न हो, जैसे अखाद्य, अखाद्य पदार्थ, इनएडिबल। सो इसे बोलेंगे हम अखाद्य, इनएडिबल जो भी सब्सटेंस होते हैं वो सारे। जिसकी गिनती ना की जा सके, जिसकी गिनती ना की जा सके मतलब अगणित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है काफी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में। सेकंड है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इन्यूमरेबल, लाइक इन्यूमरेबल। देन जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके इसका मतलब क्या होगा? अगम्य। ये रहा, इसका होगा अगम्य, इनएक्सेसिबल। जहां पहुंचा जा सके मतलब कि वो रास्ता आपके पास एक्सेस कर सकते हो आप उस रास्ते पे, और जहां पे पहुंचा ना जा सके मतलब कि इनएक्सेसिबल, अगम्य। जिसकी निंदा न की गई हो, जिसकी मतलब कि जिसकी कभी भी, जिसको कभी भी क्रिटिसाइज ना किया गया हो, तो इसके लिए वर्ड है अगृहित। थोड़ा टफ है इसकी स्पेलिंग, जो बहुत गहरा हो मतलब कि अगाध। ये काफी बार पोएट्री में यूज होता है, अगाध प्रेम, ठीक है, जिसका मतलब प्रेम बहुत गहरा हो, जैसे समुन्द्र की गहराई, तो वहां पे ये वाला वर्ड यूज होता है अगाध। जो इंद्रिय द्वारा न जाना जा सके, इंद्रियों के लिए वर्ड होता है गो, तो इसके लिए बनेगा अगोचर। अगोचर जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके, जैसे आंख कान इनके द्वारा ना जाना जा सके। सो इसके लिए वर्ड है इंग्लिश में इमरसेप्टिबल। बहुत कठिन मानदंडों की परीक्षा, मतलब कि जो स्टैंडर्ड्स है वो बहुत हाई रेज कर रखे हैं, वो आपको पास करने पड़ेंगे। बहुत कठिन मानदंडों की परीक्षा मतलब कि अग्नि परीक्षा। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, अग्नि में ये गलती मत करना स्पेलिंग में। अग्नि परीक्षा मतलब कि फायर टेस्ट, फायर टेस्ट। जो पहले गिना जाता हो, जो पहले गिना जाता हो, इसका मतलब होगा कि प्रोमिनेंट, अग्रगण्य। जैसे अगर काउंटिंग होते हैं तो सबसे पहले प्रेसिडेंट की काउंटिंग होगी सिटीजन्स में, इंडिया में। सो जो पहले गिना जाता है अग्रगण्य। जो पहले जन्मा हो अग्रज, जो पहले जन्मा हो बड़ा भाई, उसके लिए वर्ड है हमारे पास अग्रज। और जो छोटा भाई होता है उसके लिए वर्ड होता है हमारे पास अनुज, जो बाद में जन्मा हो। और सबसे आगे रहने वाला, सबसे आगे रहने वाला, इसके लिए वर्ड है अग्रणी। समाचार पत्र का मुख्य लेख, समाचार पत्र का मुख्य लेख, तो ये आपके पास होगा एडिटोरियल पेज, जैसे संपादकीय पेज बोलते हैं हम इसे, संपादकीय पेज, ठीक है। देन आगे का विचार करने वाला, आगे का विचार करने वाला मतलब कि अगर सोची, जो आगे का सोचते हैं, इसका वर्ड होगा अगर सोची। देन जिसका चिंतन नहीं किया जा सके, अचिंत्य, अचिंत्य। जिस पर चिंतन न किया गया हो, एक तो यह है कि किसी पे, किसी चीज के ऊपर चिंतन किया ही नहीं जा सकता। सेकंड है कि किसी चीज पे चिंतन किया जा सकता है पर अभी तक चिंतन किया नहीं गया हो, तो इसका मतलब होगा अचिंतित, अचिंतित। देन जिसकी चिकित्सा ना हो सके, जैसे लाइलाज बीमारियां होती है जिनकी चिकित्सा नहीं हो सकती, तो उसके लिए वर्ड होगा अचिकित्सीय, अचिकित्सीय। अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो फॉर्म है मतलब कि जो कंसोलिडेट हो रखा है, अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, इसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है ये अच्युत। देन जो छूने योग्य न हो, इसका मतलब होगा अछूत। जैसे काफी सारे पेड़ या पौधे होते हैं कि जिनको आप टच नहीं कर सकते, अगर टच करोगे तो वो पॉइजन आपकी बॉडी में चला जा सकते हैं, तो जो छूने योग्य न हो तो वो होगा अछूत। जो छुआ न गया हो तो इसका मतलब होगा अछूता, मतलब कि वो छूने योग्य है पर अभी तक छुआ नहीं गया, तो उसका मतलब है अछूता। जिसका जन्म न हो या फिर जिसने अभी तक जन्म न लिया हो, इसका होगा अजन्मा, मतलब कि अनबॉर्न। जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा न हो, दो वर्ड्स हम काफी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, अमर अजर का वरदान। अमर का मतलब कि जो कभी न मरे, अजर का मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, जो ना तो मरे और ना बूढ़ा हो, तो जो कभी बूढ़ा ना हो इसका मतलब क्या होगा? अजर। और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है इमोर्टल। देन जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, इसके लिए वर्ड है अजात शत्रु, इनविंसिबल, अजात शत्रु, इनविंसिबल। जिसको जीता ना जा सके,
अजे अजे, जे मतलब कि जीता जा सके जिसको, अजे जिसको जीता न जा सके, जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ अज्ञ जो कुछ नहीं जानता। बेसिकली ज्ञ जो वर्ड है हमारे पास उसका मतलब होता है जानने वाला, जैसे किसी विशेष सब्जेक्ट की नॉलेज रखने वाला विशेषज्ञ, गणित का ज्ञान रखने वाला गणितज्ञ। जो कुछ नहीं जानता उसका मतलब हो गया अज्ञ अज्ञ, जिसका पता ना हो अज्ञात, जिसका पता ना हो अज्ञात मतलब अननोन। देन जिसके वंश का कुछ पता या ज्ञान ना हो अज्ञात कुल। देन ऐसे स्थान पर जिसका कोई पता ना पा सके, जैसे पांडवों को कुछ 1 साल का अज्ञातवास मिला था। एक ऐसा स्थान जिसका किसी को भी पता ना हो, तो इसका मतलब अज्ञातवास, जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय अनोएबल। अज्ञेय इसके लिए वर्ड है, जिसे जाना ना जा सके, जो अपनी बात से नहीं टले, तो इसका मतलब अटल। घर के ऊपर सबसे ऊपर के खंड की कोठरी, इसका मतलब है अटारी। एक गाना है महल अटारी नहीं चाहिए, तो अटारी का मतलब होगा कि घर के सबसे ऊपर के खंड की कोठरी। जिस हंसी से अटालिका तक हिल जाए, या फिर मतलब कि ठहाका लगाकर हंसना, इसका मतलब होगा अट्ठहास। इसके लिए जो शब्द है वो है अट्ठहास। जिस हंसी से अटालिका तक हिल जाए या फिर ठहाका लगाकर जोर से हंसना, तो अट्ठहास। एक बार फिर से देख लेते हैं सारे वर्ड्स। जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय इंडिविजिबल, जो खाने योग्य न हो इनएडिबल अखाद्य, जिसकी गिनती न की जा सके अगणित इन्यूमरेबल, जहां पहुंचा न जा सके इनएक्सेसिबल अगम्य, जिसकी निंदा न की गई हो अगृहित, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है इसकी, जो बहुत गहरा हो अगाध, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर, बहुत कठिन मानदंडों की परीक्षा अग्नि परीक्षा, जो पहले गिना जाता है अग्रगण्य, जो पहले जन्मा हो अग्रज, और जो बाद में जन्मा हो अनुज, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। समाचार पत्र का मुख्य लेख मतलब कि एडिटोरियल पेज, दैट इज संपादकीय, आगे का विचार रखने वाला अगर सोची। जिसका चिंतन नहीं किया जा सके अचिंत्य, मतलब हम सोच ही नहीं सकते उस चीज को, किसी चीज को सोच सकते हैं पर अभी तक उसके ऊपर चिंतन किया नहीं है अचिंतित। जिसकी चिकित्सा न हो सके अचिकित्सय, अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत, जो छूने योग्य न हो अछूत, जो छुआ न गया हो अछूता, जिसका जन्म न हो अजन्मा, जो कभी बूढ़ा न हो अजर, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु, जिसको जीता न जा सके अजेय, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, जिसका पता न हो अज्ञात अननोन, जिसके कुल का पता ना हो अज्ञात कुल। ऐसे स्थान पर निवास जहां कोई पता ना पा सके अज्ञातवास, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, जो अपनी बात से टले नहीं अटल। घर के सबसे ऊपर के खंड की कोठरी अटारी, जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए अट्टहास। तो ये सारे वर्ड से नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, इसी के साथ वाक्यांश के लिए एक शब्द।